बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने करना क्या है कि ऐड करना है किसको, बेस फाइव नंबर्स को, यानी कि ये जो छोटा सा फाइव लिखा है तो समझो ये बेस फाइव नंबर्स हैं। तो हमने बेस फाइव नंबर्स को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेबल क्या है कि ऐड इसको हमने किस तरीके से करना है। अच्छा जी, तो बेस फाइव नंबर्स में जो होता है फाइव होता है वो किसके बराबर होता है, वन ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है। और जो सिक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वन वन के बराबर होता है। और सेवन किसके बराबर होता है, वन टू के। इसी तरह एट होता है वन थ्री थर्टीन के बराबर होता है, और नाइन होता है वन फोर फोर्टीन के, और टेन होता है टू ज़ीरो के, ठीक है जी। ये आपने याद कर लेना है। अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रही है तो इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि हम इसको एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है जी। अगर ये समझो फाइव है, ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, बेस फाइव नंबर्स हमने मालूम करने, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम बेस फाइव नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने फ़ाइव के साथ ही उसको एलसीएम निकालना है। जैसे कि यहाँ पर फाइव का टेबल लगा दिया है तो हमने मालूम करना है कि फ़ाइव किसके बराबर है। तो हमने करना है कि फाइव वन द फाइव कितने बच गए, ज़ीरो। तो ये क्या, यहाँ से वन एंड ज़ीरो, ये क्या फाइव किसके बराबर है, वन ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सिक्स को मालूम करें कि बेस फाइव नंबर्स में सिक्स किसके बराबर है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको भी फाइव का नंबर टेबल लगाएंगे, फाइव वन द फाइव कितने बच गए, वन, इस तरीके से, ठीक है। फाइव किसके बराबर है, अलेवन के बराबर है। इसी तरह अगर हम ये जो है ट्वेल्व है, सेवन है, ये मालूम करेंगे कि सेवन किसके बराबर है बेस फाइव नंबर्स में, तो हम इसी तरह फाइव का टेबल लगाएंगे, और फाइव वन द फाइव कितने बज के, टू, ठीक है जी। हम एलसीएम करके देख लेंगे, जितनी भी वैल्यू होगी तो हमें इसका आंसर से मालूम हो जाएगा कि वो किसके बराबर है, यानी कि सेवन जो है बेस फाइव नंबर्स में वन टू के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, तो हमने इसको प्लस करना है, ठीक है जी। तो क्या है, फोर थ्री टू, जैसे हम छोटी क्लासों में प्लस करते रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ठीक है। फोर थ्री टू, और क्या है, वन थ्री फोर, वन थ्री फोर इसके नीचे लिख दिया, साथ में प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये बेस फाइव नंबर है तो फोर और टू कितने होगा, सिक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेस फाइव नंबर्स में जो सिक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वन वन, यानी कि अलेवन के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर वन लगा दिया और ये वन यहाँ पे लगा दिया छोटा सा, ठीक है। अब क्या है, थ्री प्लस थ्री सिक्स होते हैं, और एक ये क्या है, सेवन है। तो सेवन जो होता है वो बेस फाइव नंबर्स में किसके बराबर होता है, वो ट्वेल्व के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे टू लगा दिया, यहाँ पे वन लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या है, ये फोर और वन फाइव, और ये सिक्स। तो सिक्स किसके बराबर होता है, वन वन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बेस फाइव नंबर है तो इसलिए हमने छोटा सा फाइव लगा दिया इसके आंसर के साथ। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से अब हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थ्री थ्री फोर फोर को हमने क्या करना है, वन थ्री ज़ीरो फोर के साथ प्लस करना है, ठीक है। हमने ये साइड बराबर रखनी होती है, जैसे हम पिछली क्लासों में यानी कि टू थ्री क्लास से हम मैथ सीखते आए हैं कि ये साइड बराबर करनी होती है हमने जब भी प्लस या माइनस के सवाल करने होते हैं। तो इसी तरीके से अभी हमने करना है। और ये क्या है, फोर और फोर कितने होते हैं, एट। एट किसके बराबर होते हैं, वन थ्री के बराबर होते हैं। और फोर और वन फाइव होते हैं, फाइव किसके बराबर है, वन ज़ीरो के बराबर है, ठीक है जी। अब ये थ्री प्लस थ्री और प्लस वन कितने हो गए, सेवन। सेवन किसके बराबर है, वन टू के बराबर है। और ये क्या है, थ्री वन एंड फोर और वन फाइव, ठीक है जी। फाइव किसके बराबर है, वन ज़ीरो के बराबर। ये छोटा सा फाइव लगाना बेस फाइव नंबर के साथ ये लाजमी होता है। अगर हम बाइनरी नंबर करते हैं तब भी हम छोटा सा टू लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑक्टल नंबर्स के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके साथ भी हमने छोटा सा एट लगाना होता है। ये क्या शो करता है कि उसके बेस फाइव नंबर्स को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अब क्या है अगला क्वेश्चन, ये भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फोर थ्री थ्री थ्री, थ्री फोर थ्री, थ्री फोर थ्री, ठीक है जी। इसको भी इसी तरीके से हमने प्लस करना है। थ्री और थ्री कितने होते हैं, सिक्स। तो जी सिक्स किसके बराबर होते हैं, सिक्स होते हैं अलेवन के बराबर, ठीक है जी।
और क्या है 3 + 1 = 4, और 4 कितने होते हैं 8, 8 होते हैं 13 के बराबर बेस 5 नंबर्स में। अब क्या है 3 + 3 कितने हो गए 6, 6 और 1 = 7, 7 होते हैं 12 के बराबर। 4 और 1 = 5, 5 किसके बराबर होते हैं 10 के बराबर होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। इसी तरह अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करें, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 4। तो जी इसको भी इसी तरीके से हमने प्लस करना है 4 and 3 = 1 and 4। ठीक है जी, इसको 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 12 के बराबर होता है, और 4 और 1 = 5 और 1 = 6, 6 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 4 3 2 1। ठीक है जी, 2 4 1 1 3, 2 4 1 1 3, 2 4 1 1 3। ठीक है जी, एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आना चाहिए। तो अब क्या है 3 और 1 = 4 होते हैं, तो जो 4 होता है वो 5 से छोटा होता है। ठीक है जी, और 4 होता है 4 के ही बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे ये 4 ही लिख देंगे। 2 और 1 = 3 होता है, तो ये 3 के बराबर है, 3 और 1 = 4 है, तो ये 4 के बराबर है, 4 और 4 = 8 है, तो 8 जो होता है वो 13 के बराबर होता है। 3 और 1 = 4 और 2 कितने हो गए 6, ओहो सॉरी 6 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, ये है बेस 5, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, इसी तरीके से इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम इसको भी प्लस करेंगे 4 3 1 4 3। ठीक है, 3 और 3 = 6 होते हैं, 6 किसके बराबर होते हैं 1 के बराबर होता है, और 4 और 4 = 8, और 1 कितने हो गए 9 किसके बराबर होता है 14 के बराबर होता है। ठीक है जी, और 1 और 1 = 2, तो ये हमने इसी तरीके से लिख दिया, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, तो अब इसके बाकी क्वेश्चन भी मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, क्या है 1 4 3 2, ये वाली वैल्यू लिखनी है 2 3 4 1 1 2 3, हमने क्या करना है इसको भी प्लस करना है 3 4 and 6, 6 11 के बराबर होता है, 4 4 = 8, 9 10, 10 किसके बराबर होते हैं 20 के बराबर होता है, 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 किसके बराबर होता है 20 के बराबर होता है, 2 और 1 = 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 किसके बराबर होते हैं 1 0 के बराबर होता है, ये है इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, ये क्या है 2 2 2 है, 2 2 2, 3 4 3 3, 3 4 3 3, 1 4 2, इसको भी हमने क्या करना है प्लस करना है, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है जी, 7 जो होता है 12 के बराबर होता है, और 2 और 1 = 3 और 3 = 6 हो गए, 6 और 6 and 4 = 10 हो गए, 10 जो होता है वो किसके बराबर होता है 20 के बराबर होता है, और 2 और 2 = 4, 4 and 4 = 8, 8 and 1 = 9, 9 किसके बराबर होता है 14 के बराबर होता है, 3 और 1 = 4, 4 जो होता है 4 के ही बराबर होता है। ठीक है जी, क्योंकि 4 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, इसलिए 4 4 के बराबर होगा, ये हमारा आंसर। आप ना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है 4 4 4 3, 3 4 3। ठीक है जी, इसको भी हमने प्लस करना है, 3 and 3 = 6 होता है, 6 11 के बराबर होता है, और 4 and 4 = 8 and 1 = 9, 9 किसके बराबर होता है 14 के बराबर होता है, 4 and 1 = 5, 6 7 8, 8 किसके बराबर होता है 13 के बराबर। ठीक है जी, और 4 and 1 = 5, 5 किसके बराबर होता है 1 0 के बराबर होता है, छोटा सा 5 लगा दिया, ये हमारा आंसर। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फोर एंड फोर कितने होते हैं 8, 8 किसके बराबर होता है 13 के बराबर होता है, 4 एंड 4
4 कितने हो गए 12, 12 और 1 13, 13 किसके बराबर होता है? तो अब ये कि हम सोचेंगे कि 13 किसके बराबर होता है, तो हम इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हैं क्या होगा। हमने 5 के साथ एलसीएम निकालना इसका है, 5 टू द 10 कितने बच गए 3। तो 13 जो होता है किसके बराबर होता है, 23 के बराबर होता है बेस 5 नंबर्स में। ठीक है स्टूडेंट, 13 है किसके बराबर, 23 के बराबर, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे छोटा सा 2 लिख दिया। तो क्या है 4 and 4 8 11 12 13, तो अब ये 13 किसके बराबर होता है, 23 के बराबर होता है। 3 and 2 5 and 2 कितने हो गए 7। ठीक है जी, 7 किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इसके मैं बाकी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही, क्योंकि ये सारे बिल्कुल इसी तरीके से हैं। आपको अगर कोई भी डिजिट चेंज आ जाए, जैसे कि ये 13 आ गया था, तो हमने इसका एलसीएम निकाल के देख लिया कि 13 किसके बराबर है, 13 जो होता है वो 23 के बराबर है। इसी तरह कोई भी और नंबर आ जाए जो हमें याद ना रख सकें कि भाई वो किसके बराबर है, तो हम उसको 5 के साथ एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी करना वही है जैसे हम प्लस करते हैं, सेम उसी तरीके से प्लस करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, ये कैसे इसको ऐड करते हैं बेस 5 नंबर्स को। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।